भिलाई के टाउनशिप में गैरेज रोड से जेपी चौक तक हर गर्मी में पिछले 60 से 65 वर्षों से प्याऊ घर संचालित कर राहगीरों के सूखे गले को तर करने वाला सिख परिवार वर्षों से गर्मी में दूर दूर से पानी की व्यवस्था कर न केवल प्याऊ घर के घड़ों को भरता है बल्कि इस प्याऊ से दुर्ग भिलाई रायपुर सहित हर आने जाने वाले को पानी पिलाकर जनसेवा के अपने संकल्प को सफल करने जुटा दिखाई पड़ता है। जेपी चौक से पावर हाउस जाते समय वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन की नजर जब इस प्याऊ घर पर पड़ी तो उनके बचपन की यादें ताजा हो गई। नतीजतन अपनी गाड़ी रुकवाकर जब वो प्याऊ पर रुककर पानी पीने लगे तो बातों ही बातों में प्याऊ घर पर मौजूद सरदार जी दिखाई पड़े। सरदार जी भी उनसे मिले और आशीर्वाद देते हुए कहा कि बेटा पानी के लिए अब भी बड़ी मशक्कत करनी पड़ती है। वहां से लौटकर विधायक कार्यालय पहुंचे विधायक रिकेश सेन ने तत्काल निगम के अधिकारियों को फोन लगाया और शाम तक बोरिंग करने के लिए निर्देश दिए। हमेशा की तरह नियम कायदों और BSP NOC की बात को ध्यान में रखते हुए संबंधित अधिकारियों ने पुनः इनका हवाला जरूर देना चाहा, मगर अपने फौरी एक्शन के लिए मशहूर वैशाली नगर विधायक ने अधिकारी को शाम तक बोरिंग हो जाने का अल्टीमेटम भी दे डाला। फिर क्या था, शाम तक सेक्टर 2 में सिख परिवार के प्याऊ घर के लिए बोरिंग तैयार हो गया। हेलो हेलो, अधिकारी महोदय, मैं बोल रहा था ये सेक्टर 2 में मेरे विधानसभा में नहीं आता है, ये सेक्टर 2 है जेपी चौक के पास। आज 65 सालों से सिख समाज का एक परिवार जो है वहाँ पे लोगों को, राहगीरों को पानी पिलाने का काम करते हैं, आने जाने वाले लोगों को पानी पिलाते हैं। तो वो जो है मैं वहाँ पे जो है पानी की व्यवस्था उनको वैन से लाना पड़ता है पानी, तो मैं चाहता हूँ कि वहाँ पे एक बोरिंग हो जाए और एक बोर हो जाए, उसमें मोटर डाल के जो है वो उनको पानी की सुविधा हो जाएगी। इतने जनप्रतिनिधि, इतने विधायक सांसद वहाँ पे बने, इतने लोग बड़े बड़े पदों पे आए, लेकिन 65 सालों से आज तक वहाँ पे बोर नहीं हो पाया। आज शाम तक कैसे भी वो बोर हो जाना चाहिए। वो लोग समाज का काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं और लोगों को, मैं भी जब छोटा था तो स्कूल जाता था, मुझे सेंटर मिला था भिलाई विद्यालय, मैं वहीं से पानी पी के एग्ज़ाम देने जाता था। तो इसलिए जो है यहाँ जितने अरबपति करोड़पति भी जो बने हैं, उस समय ना पानी की बॉटलिंग आती थी ना केन आता था, उसी पानी को पी के ही जो है लोग आगे बढ़ते थे। एक ही प्याऊ होता था पूरे भिलाई में। आज वो लोग पानी के लिए भटक रहे, शर्म वाली बात है। इसको आज रात तक कैसे भी इसको बोर कर दीजिए, ठीक है सर। एक ही इसमें आपका सहायता की जरूरत है, जो BSP क्षेत्र में आता है वहाँ आप कभी 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 मानवता के लिए सारे चीजों को दरकिनार करना पड़ता है। रात तक बोर हो जाना चाहिए। ओके ठीक है सर, प्रयास करवाता हूँ सर इसको। ओके।